₹150 के अंदर 150 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आज इस वीडियो में कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं ऐड किया है मैंने, और ये डाइट प्लान लो कार्ब होने वाला है, फैट लॉस में हेल्प करेगा और मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करने वाला है। ज्यादा प्रोटीन खाने से ये नहीं होता कि आपकी बॉडी जल्दी बनेगी, मसल बिल्डिंग जल्दी होंगे। सारी रिसर्चेस ने यही दिखाया है कि ज्यादा प्रोटीन खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी के अंदर। तो 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन इनफ है किसी के लिए भी जो मसल बिल्ड करना चाहता है और फैट भी लॉस करना चाहता है। ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो लो बजट में अपना मसल बिल्ड करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। मील नंबर वन जो हमारा ब्रेकफास्ट होगा, इंडिया में ना इस ब्रेकफास्ट को बहुत टाइम से खाया जा रहा है, और वो है 100 ग्राम ऑफ बेसन। आपको 100 ग्राम ऑफ बेसन लेना है, उसका एक चीला बनाना है, वेजीज डालो, पानी में मिक्स करो और तवे पे बना लो। बहुत इजी होता है इसे बनाना, और 100 ग्राम ऑफ बेसन के अंदर ना आपको 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। तो वन ऑफ द हेल्दीएस्ट हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट होगा ये, जो आपका मसल बिल्ड करने में और प्लस वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगा। 100 ग्राम ऑफ बेसन के अंदर आपको 380 कैलोरीज मिल जाएंगी, 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, 57 ग्राम ऑफ कार्ब्स मिल जाएंगे, और उसके साथ 10 ग्राम ऑफ फाइबर भी मिल जाएगा। वैसे तो बेसन वगैरह इंडियन घरों में पड़ा ही रहता है, पर अगर आप 100 ग्राम ऑफ बेसन बाजार में लेने जाओगे ना, वो आपको 10 से 12 रुपए का ही पड़ेगा। और प्रोटीन की मात्रा देख लो कितनी ज्यादा रिच है। तो कोई हाई फैंसी ब्रेकफास्ट करने की जरूरत नहीं है कि फ्रूट्स खा रहे हो, बेरीज खा रहे हो, कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ब्रेकफास्ट करना है और आप अपना 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन का टारगेट पहले ही मील के अंदर हिट कर लोगे। अब बढ़ते हैं हमारी मील नंबर टू की तरफ। ये भी इंडियन डाइट्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, और ये भी आपको अपने घर में बहुत इजीली मिल ही जाएगा। पर फिर भी अगर आप 50 ग्राम ऑफ उड़द की दाल के स्प्राउट्स खाते हो ना, तो आपको उसमें लगभग 12 से 14 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जो एक अगेन हाई प्रोटीन मील है। और आप स्प्राउट्स को बहुत सिंपली बहुत अच्छे से बना भी सकते हो। वापस से वेजीज वगैरह, टमाटर प्याज काटो, थोड़ा सा उसे चाट टाइप्स बना के और उसे अपनी मिड मॉर्निंग स्नैक के अंदर ऐड कर लो। और इस पूरी मील में आपको मिलती है 170 कैलोरीज, उसके साथ 12 से 13 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम ऑफ कार्ब्स, और फाइबर मिलेगा आपको 8 ग्राम्स। वैसे तो आपको इंडियन घरों के अंदर उड़द की दाल आराम से मिल ही जाएगी, पर अगर आप बाजार में इसे खरीदने जाओगे तो 50 ग्राम उड़द की दाल बस आपको 15 से 17 रुपए के अंदर मिल जाएंगी, जिससे आपको 12 से 13 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। और अब करते हैं हमारी मील नंबर थ्री की बात, जो होने वाला है हमारा लंच। ये बहुत सिंपल होने वाला है। आपको लेना है 100 ग्राम पनीर, उसके साथ 100 ग्राम आपको लेना है दही, और उसके साथ लेनी है 2 रोटियां। देखो 100 ग्राम ऑफ पनीर के अंदर आपको लगभग 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा, 100 ग्राम दही के अंदर आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और रोटी से आपको 1 या 3 ग्राम के अंदर प्रोटीन भी मिल जाता है। इस पूरी मील से आपको लगभग 600 कैलोरीज मिलेगी, 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा, 8 से 9 ग्राम आपको फाइबर मिलेंगे, और कार्ब्स आपको इसके अंदर मिलेंगे 80 to 90 ग्राम्स। 100 ग्राम पनीर इजिली आपको 30 से 40 रुपए में बाजार में मिल जाएगा, और 100 ग्राम दही अगर आप लेने जाओगे तो आपको 10 से 12 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अगर आप शाम में वर्कआउट करते हो तो प्री वर्कआउट मील के अंदर आप 2 ब्रेड के अंदर पीनट बटर लगा सकते हो, 1 बनाना डाल सकते हो और उसको खा सकते हो, और उसके साथ कैफीन पी सकते हो, मतलब की कॉफी पी सकते हो, और अपना जिम हिट कर सकते हो। इस चैनल के थ्रू मैं चाहता हूँ मेरा हर एक भाई ट्रांसफॉर्म हो, अपनी अच्छी फिजिक बनाए, इसलिए मैं लो बजट के अंदर डाइट प्लान्स लेके आता हूं। मैं वेट गेन करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज लेके आता हूं। तो मेरे इस चैनल से जुड़ो और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। कोई भी आपको डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मेल पे पूछ सकते हो। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट मील की तरफ। फिर आती है हमारी नेक्स्ट मील, वो होंगी हमारे 6 होल एग्स। आप होल एग्स आराम से खा सकते हो, वो भी 6, कोई बड़ा डील नहीं है। 6 होल एग्स के अंदर आपको 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, और बाजार में 6 अंडे आपको लगभग 30 या 35 रुपए में मिल जाएंगे। एग्स हमारी बॉडी में अराउंड 100% ऑब्जर्व होते हैं। हमारी बॉडी सबसे ज्यादा प्रोटीन जो कंटेंट है ना, वो अंडों से ही लेती है। चिकन की परसेंटेज फिर भी 70% होती है, बट अंडे अगर आप खाते हो तो अंडों से आप बहुत अच्छा प्रोटीन ले सकते हो। और फिर आती है हमारी नेक्स्ट मील, वो होगी 100 ग्राम चिकन। आपको लेना है 100 ग्राम चिकन के अंदर आपको अराउंड 30 to 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, जो बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑल 9 अमीनो एसिड्स होते हैं चिकन के अंदर भी। 100 ग्राम चिकन आपको बस 30 रुपए में मिल जाएगा, और 30 रुपए के अंदर आपको 30 से 35 ग्राम का प्रोटीन मिल रहा है। तो ये भी आप कंज्यूम कर सकते हो, एक नॉर्मल से डिश बना सकते हो आप, वेजिटेबल्स ऐड करो उसके साथ, चिकन खाओ, बेस्ट मील होती है अगर आप इसे कंज्यूम करते हो। और फिर आती है हमारी नेक्स्ट मील, वो होगी
80 ग्राम ऑफ सोया चंक्स के अंदर आपको 40 से 45 ग्राम प्रोटीन मिलता है, मतलब कि 40 टू 45 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको उसके अंदर मिल जाता है। उसके साथ आप दो रोटी वापस से ले सकते हो, तो 80 ग्राम ऑफ सोया चंक्स उसके साथ दो रोटियों की जो टोटल न्यूट्रिशन वैल्यू होने वाली है ना, इन टोटल आपको 400 कैलोरीज मिलती है। प्रोटीन आपको इसके अंदर मिलेगा 40 टू 45 ग्राम और उसके साथ 40 टू 45 ग्राम आपको कार्ब्स इसके अंदर मिलेंगे और फाइबर मिलेगा आपको इसके अंदर 9 ग्राम। अगर आप बाजार में 100 ग्राम सोया चंक्स लेने जाओगे ना, तो वो आपको लगभग 20 रुपए के पड़ेंगे बस, और 20 रुपए के अंदर आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, बाकी का जो 5 ग्राम है वो हमें रोटी से मिल रहा है। और अगर इसके बाद आपको भूख लग रही है तो आप दूध का ग्लास पी सकते हो, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो सोने से पहले। इस पूरी मील में आपको 150 से लेके 160 ग्राम प्रोटीन मिल चुका है, जो कि बेस्ट होता है अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, अगर आप फैट परसेंटेज कम करना चाह रहे हो, तो इतना प्रोटीन इनफ होता है किसी के लिए भी जो मसल बिल्ड करना चाहता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा हाई प्रोटीन मील्स लिया भी मत करो, उससे आपका पेट ही खराब होगा। अगर आप 200-300 ग्राम प्रोटीन लेते हो ना अपनी मील्स के अंदर, कोई भी फायदा नहीं है, मसल बिल्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी बॉडी वेस्ट के तरीके से उसे आपकी बॉडी से बाहर फेंक देगी। तो इसलिए 150 से 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इनफ होता है मसल बिल्डिंग जर्नी के अंदर। इस डाइट प्लान को आप आराम से अपने डेली रूटीन के अंदर लेके आ सकते हो और देखो कितनी जल्दी आप अपना मसल बिल्ड करते हो। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो देखो कितनी जल्दी आप वेट लॉस भी करते हो। आप मेरी एक और वीडियो चेकआउट कर सकते हो अगर आप स्किनी हो और वेट गेन करना चाहते हो विदाउट वे प्रोटीन, तो मैंने होम मेड वेट गेनर बनाया है। बहुत ईजिली आपके घर के अंदर इसके इन्ग्रीडियंट्स मिल जाएंगे, इसको बनाओ और अपना वेट गेन करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।